अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कलेजी साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरह साफ़ करने से कलेजी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी, इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जब आप इसको पकाएंगे तो बहुत ही नरम मुलायम कलेजी पक के तैयार होगी। 3-4 पानी मैंने इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया है और इसके बाद हम इसमें दोबारा से इतना पानी डालेंगे कि कलेजी इसमें डूब जाए। 3 खाने के चम्मच सिरका विनेगर डालेंगे और आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे 15 मिनट के लिए। इसी पानी में हम कलेजी को छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको छान लेंगे तो आप देखेंगे कलेजी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इसमें जो भी थोड़ा बहुत ब्लड बचा होगा वो पूरा इस पानी में आप देख सकते हैं निकल गया है। और इस तरह करने के बाद हम इसको कलेजी को दोबारा से 2-3 दफ़ा साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे तो आप देख सकते हैं कलेजी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और पकने के लिए बिल्कुल तैयार है।